हेलो फ्रेंड्स, एक एक गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करने वाला। बिन मौसम बारिश के कारण फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं सभी प्लांट्स में हमारे यहाँ पर जो है कल से बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़, बिल्कुल रेनी सीजन की तरह बारिश हुई है। सभी प्लांट्स का एकदम बुरा हाल है फ्रेंड्स, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कम बारिश के कारण क्या क्या मेरे गार्डन में हुआ है फ्रेंड्स, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो क्रिजेंथिमम का प्लांट था बहुत तेज कल हमारे यहाँ पर दोपहर से लेकर, ये देखिए एक क्रिजेंथिमम का प्लांट यहाँ पर था, पूरे फ्लावर्स जो हैं इसके झड़ गए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। 28 दिसंबर को फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो है पूरा दोपहर से लेकर रात में भी पूरी बारिश हो रही थी, बिल्कुल एक मिनट भी बारिश जो है रुकी नहीं है, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो उसके कारण प्लांट्स बहुत ही, देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबकी हालत बहुत ख़राब है। रोज़ सुबह मैं इस टाइम पर अपने गार्डन में आती थी फ्रेंड्स, तो हल्की हल्की सी धूप निकली रहती थी, और मैं अपने गार्डन के सभी फ्लावर्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाती थी। आज देख सकते हैं ये मेरा पिटूनिया का प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए सभी फ्लावर्स कैसे हो गए हैं। ये कैलेंचो का प्लांट है, यहाँ पर देखिए सभी क्रिजेंथिमम के फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, इन सबको मुझे कट करके हटाना पड़ेगा, पूरा फ्लावर ख़राब हो गया। ये देखिए इनका भी बुरा हाल है फ्रेंड्स, और इस टाइम पर जो है बारिश, बेमौसम बारिश के कारण फंगस लगने का भी बहुत डर रहता है। ये देखिए कलियां भी देखिए कितनी ख़राब हो गई हैं फ्रेंड्स, पूरी गल गई हैं, देखिए कलियां पूरी ख़राब हो गई हैं फ्रेंड्स। ये पूरे मिट्टी पूरी बाहर आ गई है, ये देखिए, और ये देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, सारे फ्लावर्स जो है बिल्कुल ख़राब होंगे, सबको मुझे कट करके हटाना पड़ेगा। ये देखिए सारे फ्लावर्स जो है इसी तरह से बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, और मैं जो है फ्रेंड्स कल जब से बारिश हो रही थी मैं कहीं पर गई हुई थी किसी काम से, तो मैं इन प्लांट को जो है हटा भी नहीं पाई। ये मेरे विंका के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, जिनमें थोड़ी सी भी बारिश की बूंदें पड़ जाती हैं तो ये बिल्कुल ख़राब होने लगता है, और पूरा बारिश में ही रहा है फ्रेंड्स, तो पता नहीं अब ये बच पाएगा या नहीं। तो जीनिया का प्लांट है, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया हुआ, ये देखिए किस तरह से हो गया है, सारे फ्लावर्स ख़राब हो गए हैं इसके, और ये भी बारिश से बहुत जल्दी इसमें फंगस का अटैक होता है, तो देखते हैं अब क्या होता है। और ये देखिए ये भी मेरा जीनिया का ही प्लांट है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स सब में फंगस का जो है अटैक होने वाला है। तो फ्रेंड्स बारिश जो है वो किसी भी सीज़न में हो, बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो जो चीज़ें जो है मेरे गार्डन में अच्छी भी हुई हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, देखिए कितना सुंदर इसमें फ्लावर आज आया हुआ है, काफ़ी छोटा सा प्लांट है। ये देखिए इसके फ्लावर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए, बहुत ही छोटा सा प्लांट है, और इसमें और भी बर्ड्स आई हुई हैं, ये देखिए, और काफ़ी प्यारा सा जो है इसमें फ्लावर आया हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए सभी में कलियाँ, छोटी छोटे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स लेकिन सब में कलियाँ बन रही हैं, सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी जो मैंने रोज़ की कटिंग लगाई थी, देखिए सभी में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, आपको दिखाई दे रहा है सब में, देखिए इस तरह से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये सब प्लांट मैंने रिपोर्ट किया हुआ था फ्रेंड्स, ये मेरे हिबिस्कस की कटिंग थी जिसको मैंने एक पॉली बैग में रिपोर्ट किया, यहाँ पर चांदनी की कटिंग थी जिसको मैंने रिपोर्ट किया, और यहाँ पर पेंटास की कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स। तो इन सभी प्लांट का जो है थोड़ा इस टाइम पर विंटर में सभी रिपोर्टिंग नहीं अच्छे से चल पाती हैं, बहुत से प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो जो ये बहुत दिनों से जो है ये कटिंग ख़राब लग रही थी, लेकिन अब जो है बारिश होने के बाद ये लग रहा है कि अब ये चल जाएगी। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं फ्रेंड्स, और बहुत सी चीज़ें ख़राब भी हुई हैं। ये देखिए इसके फ्लावर्स भी ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये तो इससे तो बारिश में कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये तो जैस्मिन का प्लांट है, और ये इसे भी मैंने रिपोर्ट किया था, इस ये भी देखिए आज इसकी हालत बहुत अच्छी है, तो ये भी अब अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। ये न्यू प्लांट मैंने अपने गार्डन में ऐड किया था, इसके भी लीफ येलो हो रहे थे, तो अब ये भी अच्छी तरह से चल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल चांदनी की कटिंग लगाई थी, और ये भी देखिए ये अच्छी तरह से रिपोर्ट भी हो गई थी, ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बारिश के कारण जो है ये और भी हेल्दी हो गया है। और यहाँ पर मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये देखिए ये पेंटास की कटिंग है, और ये भी सारी अब अच्छी तरह से चल रही है। तो इस तरह से सारे फ्लावर्स ख़राब हो गए, और मैंने इन्हें कट करके निकाल दिया, तो
प्लांट्स काफ़ी दुखी दुखी से लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि जब इनमें फूल आए रहते हैं तो ये भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी देख ही सकते हैं। और इनकी भी मुझे फ्लावर्स कट करके अब हटाना पड़ेगा। तो यही सब हुआ है फ्रेंड्स मेरे गार्डन में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।